फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने TVS Ntorq को स्कैन करके दिखाएंगे। आज हमारे पास एक नया टूल आया है जिसका नाम है OBD2 V3 Double 1, राइट, जिसकी आप सब लोगों को काफ़ी टाइम से वेट भी था। तो ये हमने नया टूल अपना मंगवाया है। ये हमारी केबल है, यूनिवर्सल केबल जो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। और ये TVS Ntorq है, आज हम इसको स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना इग्निशन को ऑन किया अपनी TVS की केबल को यहाँ पर OBD के पोर्ट पे हमने कनेक्ट कर दिया, राइट। इसको कनेक्ट करने के बाद ये हमारा ऐसे डिस्प्ले आ जाएगा इसके अंदर, ठीक। हमें जाना है OBD डायग्नोस्टिक पर, एंटर क्लिक किया, इसके बाद दोबारा एंटर क्लिक किया। अब इसके अंदर रीड कोड्स पे, जैसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें रीड कोड्स पे जाना है। यहाँ पर जाके हमने दोबारा एंटर किया, करंट DTCs पे एंटर किया। अभी एक कोड दिखा रहा है P041F ISO/SAE रिजर्व्ड। ये इसलिए दिखा रहा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमने इसका एक ये कपलर रिमूव किया है, ठीक है। अभी हम इसको कपलर को रिमूव किया है, अभी इसको हम वापस लगाएंगे। फ़ोन पकड़िए, ये कपलर वापस ठीक लग चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको कोड को आपको बताएंगे रिमूव कैसे करना है। एक बार वापस से हम ऑफ करेंगे और इग्निशन ऑन करेंगे। ये देखिए, दोबारा OBD डायग्नोस पे गए, एंटर किया। अभी देखिए ये रीड कोड्स में, कोई बात नहीं, ये अभी भी एक कोड दिखा रहा है हमने कपलर लगाने के बाद भी, ठीक है। अब हम इस कोड को इरेज करेंगे। वो नहीं आ रहा ढंग से, कोई बात नहीं, ऐसे मामला देखिए, अब आ गई ऐसे। अब इसको हम इरेज कर देंगे। क्लियर रीसेट एमिशन रिलेटेड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन, आर यू श्योर, दोबारा से एंटर करेंगे। प्लीज़ टर्न इग्निशन ऑन, गाड़ी का इग्निशन अभी भी ऑन है और हमने इसको एंटर करना है। ये अभी ये रिमूव कर दिया, ये देखिए एमिशन रिलेटेड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन क्लियर, ठीक है। इसको बैक करेंगे, दोबारा हम रीड कोड्स पे जाएंगे, करंट DTCs पे जाएंगे।